उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आज हम सबका इंतज़ार ख़त्म हुआ क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं शी हल्क अटॉर्नी एट लॉ के एपिसोड 1 के बारे में, जो अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा बन चुकी है। अब वो कौन है, उसकी काबिलियत क्या है और वो कैसे शी हल्क बनी, यही हम इस पहले एपिसोड में जानने वाले हैं। शी हल्क में से निकलने के बाद उनकी ज़िंदगी काफ़ी बिजी रही और उससे पहले वो जंग में ही था। बैनर को जवाब देता तभी उसके सामने सका कि एक स्पेसशिप आ जाती है, क्योंकि ऐसे ही शिप से थॉर रैग्नारॉक में ब्रूस थॉर और वैल्करी के साथ सकार प्लांट से निकला था। फिर तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है। जेन जैसे तैसे करके बैनर को कार से निकालती है, पर बैनर जेन को उससे दूर रहने के लिए बोल रहा था क्योंकि उसका खून निकल रहा था। जब तक जेन बैनर से दूर होती, बैनर का खून जेन की बॉडी पर लगी चोट से होते हुए उसके अंदर चला जाता है, जिससे जेन शी हल्क में बदल कर अनकॉन्शियसली होकर वहाँ से भागती है।